अपने थीम पेजेस को रन करके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरीके का जो रील्स है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का रील्स अपने फोन से 2 मिनट के अंदर कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो आपको क्या चीज करना है, सिंपल सी, अभी आपको 3 ऐप का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज है, देखिए सबसे पहला जो है पिक्सल ऐप है, आपको पिक्सल ऐप, इनशॉट एंड इमेज सर्च, ये तीनों ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। अब हमको क्या चीज करना है, सर हमने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, अब हम बनाया कैसे, चलो वो भी बता देते कि आपको रील्स बनाना कैसे है, ठीक। ओके सो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने स्मार्टफोन पर, अब सीख लेते हैं कि कैसे क्या चीज हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भैया, एक आता है प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको 3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं पिक्सल लैब, एक सेकेंड, पिक्सल लैब, ठीक है, यहाँ से पिक्सल लैब डाउनलोड कर लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग्स जो यहाँ पर है इमेज सर्च, ध्यान से सुनेगा, इमेज सर्च ये वाला ऐप है जो ओपन कर, ये वाला मतलब कर सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड है वो है इनशॉट, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इनशॉट एडिटर वीडियो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो अभी इन तीनों ऐप का हमको जो कहाँ पर करने वाला है, तो सबसे पहला जो हमको यहाँ पर ऐप का जरूरत पड़ेगा वो है इमेज सर्च, ठीक है। इमेज सर्च पर हम चलते हैं, इमेज पर सबसे पहले हम एक फ़ोटो लेंगे, जैसे यहाँ पर सैड बॉय है, तो सैड बॉय हमने यहाँ पर लिखा। अब बहुत सारे तरीके, जैसे कि हमारे पास देखिए एक आ चुका है, ठीक है, ये इमेज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, चाहे तो हम ये वाला भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी अपने हिसाब से एक चूज़ करके आप लोग ले सकते हो। ध्यान से चलिए, मतलब कि हम यही वाला एक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला ले लेते हैं, कोई भी, मतलब एक इमेज देखिए इतना बढ़िया बढ़िया यहाँ पर इमेजेस आ जाता है, तो एक इमेज आप ले लीजिएगा कोई से अच्छा चूज करके। एक सेकंड, हम एक ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, चलिए हम मान के चलिए ये वाला हम आपको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चीज़ करना है, सिंपल सा, अब हमको पिक्सल लैब से अक्षर लिखना है, ठीक है। तो पिक्सल लैब में चले जाते हैं, सिंपल सा, अभी देखिए यहाँ पर जो है बड़ी ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, अभी ये बनाया है हम, बट आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो नीचे के साइड में 4 ऑप्शन दिख रहा है, चौथे वाले पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी चौथे वाले पर करने का ट्रांसपेरेंट, देखिए चौथे वाले पर हमने यहाँ क्लिक किया, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक किया, राइट। अभी देखो क्या करना है, सिंपल सा प्लस पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है। अब टेक्स्ट अपना यहाँ पर आपको कुछ भी लिख लेना है, लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने ये अक्षर लिख दिया, ओके कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, कभी भी अक्षर को एडिट करने के लिए अक्षर पे क्लिक कर उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये सब ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से सबसे पहला जो हमको काम करना पड़ता है, उसको बीच में लाने करता है, उसके बाद इसका थोड़ा सा हमको फॉन्ट जो है, फॉन्ट देखिए ये जो है ना ब्लॉगर सेंस बोल्ड, इसको हमको कर लेना है। अब देखिए भैया यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर का, कलर में जाना है, सेलेक्ट कर सकते हो नीचे कितना कलर रखना है अपने हिसाब से। जैसे हम यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 260 लगा करके, ठीक है। तो इसको हम ये कलर कर देते हैं, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा सब कर सकते हैं, जैसे हम इतना कर दिए। तो उसके बाद रोज़ का 800 कमा रहा हूँ वहाँ तक, लाइन बाय लाइन अपने हिसाब से कलर मैनेज कर सकते हो, हमें यहाँ हूँ तक इसको हरा कर दिए, ठीक है। नीचे वाले को हम फिर से वही कलर कर देते हैं ये जो किया था। अब जो 260 जो गणित वाला ये शब्द है, इसको हमको सफ़ेद कर देना है, ठीक है। जैसे इसको हम वाइट कर देते हैं, एक सेकेंड, देन यहाँ पर जैसे 260 वाला है ना, देखो यहाँ पर जैसे ये, उसके बाद सफ़ेद कर दिए, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपल सा, फिर से हमको अक्षर पे क्लिक करना है, ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर जाना है स्ट्रोक, स्ट्रोक जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है, हाँ इसका थोड़ा सा हमको इतना इनेबल कर देना, ठीक है। 700 में चलेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। अब 700 को हमको ये इतना सा रख लेना है, बहुत कम, ठीक है, थोड़ा सा इसको ये हल्का सा, मतलब तिरछे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब इस अक्षर को हमको कर लेना है बड़ा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम कर लेते हैं ना बड़ा, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो अक्षर का, हमको यही बढ़िया लगता है, हम तो ये रखते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस पे जाना है, सेप पर चले जाना है, सेप पर, ठीक है, इतना कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ कर लेना। अब सेप का कलर लाल कर देना है, उसके बाद देन जो ये है स्ट्रोक कलर हमको सफ़ेद, इसके ओरे ओरे जो मतलब कॉर्नर में देखो लाइन आ रही है ना, लाइन ये वाली लाइन, ठीक है, 10 पॉइंट रख लेना इसको। अब देखो क्या चीज़ करना है, सिंपल सा, इतना करना है, यहाँ पर ऐसे लगाना है सिंपल सा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया, देखो
ठीक है। अब इसको हमको क्या कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद इस जैसे देखिए अगर अक्षर एडिट करते हैं तो ए पर क्लिक किया नीचे, अगर ये सब एडिट करते हैं तो तीसरा वाले पर क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हमको सिंपल सा टू बैक कर देना है, मतलब कि अक्षर के पीछे चला जाइए, बंदा जो है ये टू बैक हो गया, ठीक, समझ में आ गया इतना। अभी देखो क्या क्या करना है, हमको अक्षर को लॉक कर देना है, अब इसको फिर से हमको पकड़ कर कॉपी कर लेना है ताकि हम दूसरे जगह यहाँ पर टू बैक फिर से कर सकें, राइट। टू बैक मैंने फिर से कर दिया, अब ये जो हमारा है ये रेडी हो चुका है। अब तीन लाइन पे जा करके एक्सपोर्ट इमेज करके यहाँ से डिफ़ॉल्ट नहीं अल्ट्रा करना है ताकि HD रहे, सेव टू गैलरी कर देना, राइट। अभी क्या चीज़ करना है, सिंपल सा अब जाना है हम लोग को इनसॉर्ट में, अब इनसॉर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, वीडियो में जाना है, न्यू में जाना है, उसके बाद देन हमने जो अभी फ़ोटो लिया था फ़ोटो ले लेना है, ये फ़ोटो ले लेते हैं, ओके, समझ में आ गया इतना। हमने यहाँ से जो फ़ोटो लिया था यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमने फ़ोटो लिया था देखिए ये रहा फ़ोटो, ये हम फ़ोटो लिए थे, ठीक है, तो अपने हिसाब से रख सकते हो, बड़ा बड़ा कर करके छोटा लंबा चौड़ा, ठीक है, हमने ये फ़ोटो लिखा था। अब PIP ऑप्शन है ना, PIP पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा हमको फिर से वही फ़ोटो ले लेना जो हम बनाए थे, तो ये हम बनाए थे हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दिन देखिए क्या चीज़ करना है, सिंपल इतना लिख दिए हैं हम, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद देन आपको देखिए एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर का और यहाँ इफ़ेक्ट का, ठीक, फिर से ध्यान से देखो, फ़िल्टर का इफ़ेक्ट का ग्लिच वाले पर जा कर के ये कर देना है। लो भैया आपका जो ये है लग गया ये वाला इफ़ेक्ट, यहाँ से तेज़ कम बेसी कर सकते हो इसको वैल्यू, देन इसको खींच करके बंदे को यहाँ तक कर देना है। अब देखो सिर्फ 260 रुपये लगाए थे, अब दिन के 2 घंटे काम करके 1800 कमा रहा हूँ, आपको भी सीखना है तो काम कमेंट में यस लिखो, इस टाइप का कर सकते हो, ठीक है। नीचे अगर 700 लगाना चाहते हो तो PIP पे ऐड कर सकते हो एक फ़ोटो इस टाइप का, मैं एक टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा ये वाला फ़ोटो, ताकि थोड़ा सा और रील्स हमारा जो बने वो बहुत ही बेहतरीन बने, ठीक है। ये देख सकते हो ये जो है इसको हम यहाँ पर फॉन्ट में ले लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम ले ब्रांड में जा करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, देख सके। तो इस तरीके से रील्स बना सकते हो आप सभी, तो बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर से मैसेज कर सकते हो, फिर से वीडियो बना दूंगा, ध्यान से देखो समझ में आ ही जाएगा। और हाँ अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे रील्स को वायरल किया जाता है, ठीक है।